हाय एवरीवन, मेडिकेयर में आपका स्वागत है। तो आज हम खांसी की दवा और खांसी के प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ नए हैं तो मेडिसिन के बारे में और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये रही दो तरह की खांसी, पहली गीली खांसी विट कॉफ और सूखी खांसी ड्राई कॉफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गीली खांसी की, यानी वुड कॉफ। गीली खांसी में हमें गले में बलगम जैसा महसूस होता है, जिससे हमारे गले में बहुत ज्यादा खुजली होती है, तो यह है एक इन्फेक्शन है। तो अगर इस प्रकार की खांसी हमारे गले में हो रही है तो हमें कॉम्बिनेशन की दवा लेनी चाहिए, एम्ब्रोक्सोल प्लस वेफनसिन प्लस टर्ब्यूटलाइन। यह दवा वायुमार्ग में तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ाकर बलगम की चिपचिपाहट को कम करके काम करती है। तो यहाँ कुछ बेहतरीन गीली खांसी की दवाओं की सूची दी गई है। नंबर एक, टॉसिक्स उक्सपी सिरप। नंबर दो, टस्क इक्स प्लस। नंबर तीन, डेलेटस बीएक्स। नंबर चार, सोवंटस। नंबर पाँच, ब्रोजीट शुगर फ्री डॉट। तो आपको ये लेना है 10 मिलीलीटर दिन में 3 बार और कम से कम 3 से 5 दिन तक। तो यह गीली खांसी की खुराक है। तो अगली है सूखी खांसी ड्राई कॉफ। इस तरह की खांसी में हमें इस दौरान गले में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है और सूखी खांसी से हमारे गले में बलगम नहीं बनता है। सूखी खांसी के साथ आप अपने गले में गुदगुदी महसूस कर सकते हैं। आप खांस कर अपना गला साफ करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे जैसे आप बलपूर्वक हवा बाहर निकालते हैं, आपका गला चिड़ और शुष्क हो सकता है। तो इस तरह की खांसी में हमें इन चीजों का कॉम्बिनेशन लेना होता है, फिनाइलफ्राइन प्लस क्लोरफिनिरमाइन मैलेट एंड डेक्सट्रोमेथोरफन हाइड्रोब्रोमाइड। डेक्सट्रोमेथोरफन सूखी खांसी के लिए मुख्य संयोजन है। यह गले के दर्द से राहत दे रहा है और वायुमार्ग को राहत देता है। और अगर आपको दोनों प्रकार की खांसी बहुत ज्यादा है तो ले सकते हैं एंटीबायोटिक्स इन दवाओं के साथ सूखी खांसी और हमें खांसी दोनों के लिए। नंबर एक, टस्क डीएक्स। नंबर दो, एस्थकाइंड डीएक्स। नंबर तीन, कुफ्रिल डी। नंबर चार, बनड्रिल डीआर ओआरआर। नंबर पाँच, एस्करिल डी प्लस डॉट। तो यहाँ सूखी खांसी के लिए कुछ दवाएं दी गई हैं और आपको उन्हें भी कम से कम 3 से 5 दिनों के लिए रोजाना 3 बार 10 मिलीलीटर लेना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी खांसी का विषय यहीं समाप्त होता है और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मेडकेयर की ओर से धन्यवाद।